बीजापुर की लड़ाई मुगल इतिहास में बहुत अहम लड़ाई मानी जाती है। ये लड़ाई मार्च 1685 में शुरू हुई और सितंबर 1686 में मुगलों की जीत के साथ खत्म हुई। उस वक्त मुगलों की गद्दी पर शासन था मुगलों के छठे और सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब का। औरंगजेब हमेशा से ही बीजापुर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने 50,000 की सेना के साथ अपने बेटे मोहम्मद आजम शाह को बीजापुर फतेह करने भेजा। आजम शाह ने बीजापुर के किले के बाहर लगभग 15 महीनों तक घेराबंदी की, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। वजह जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री। दोस्तों, बीजापुर की लड़ाई समझने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात है 1637 की, जहां युवा राजकुमार औरंगजेब अपने पिता बादशाह शाहजहां के कहने पर दक्कन के नए सूबेदार के रूप में कमान संभाल रहे थे। उस वक्त बीजापुर की गद्दी पर शासन था मोहम्मद आदिल शाह का। आदिल शाह का दिन ब दिन दक्कन में बढ़ रहा रुतबा युवा औरंगजेब को देखा नहीं जा रहा था। उनकी कोशिश हमेशा से आदिल शाह को अपने इशारों पर नचाने की थी, मगर सुल्तान का रवैया सुल्तानों वाला ही रहा। वे अपनी बढ़ती ताकत से ना औरंगजेब से डरे, ना मुगल बादशाह शाहजहां से। ऐसे में मौके की नजाकत को देख औरंगजेब ने बिना अपने बादशाह से पूछे अपनी 25,000 की सेना के साथ बीजापुर के किले को घेर लिया। काफी दिनों तक चले इस घेराबंदी ने आदिल शाह को सीधे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने वक्त रहते बादशाह शाहजहां से शांति समझौते की मांग की और मुगल अधीनता में रहने का वचन दिया। सुल्तान ने अपने प्रेम भरे शब्दों से बादशाह शाहजहां को लिखा, पिछले कई दिनों से आपके बेटे औरंगजेब हमारे किले की घेराबंदी किए बैठे हैं। हम मानते हैं कि कई दिनों से हमने आपके हुक्म की नाफरमानी की है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे नफरत करते हैं। आदिलशाही सल्तनत हमेशा से ही मुगल सल्तनत की खिदमतकार रहती आई है और आगे भी रहेगी। ऐसे में रहम दिखाते हुए अपने बेटे को ये बड़ा कदम उठाने से रोके और हम पर रहमत बख्शे। मोहम्मद आदिल शाह द्वारा लिखे गए ये खिदमत कम चुगली से भरे शब्द बादशाह शाहजहां के दिल में घर कर गए। साथ ही साथ बादशाह को इस बात का गुस्सा भी था कि औरंगजेब ने बिना उनकी इजाजत के इतना बड़ा कदम आखिर उठाया कैसे। खैर, जब बादशाह शाहजहां ये खत सुन रहे थे, तब उनके साथ उनके बेटे, माफ कीजिएगा, उनके चहेते बेटे दारा शिकोह भी बैठे थे। दारा शिकोह शाहजहां के उत्तराधिकारी थे, लिहाजा कभी कभी वे सल्तनत से जुड़े फैसले भी लिया करते। ऐसे में उनके कहने पर औरंगजेब को यह हुक्म दिया गया कि जल्द से जल्द बीजापुर के किले पर लगाई अपनी घेराबंदी को हटाए और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को चैन से जीने दे। औरंगजेब के हिसाब से उनका यह काम सल्तनत के हित में था। बीजापुर के हाथ आ जाने से वे दक्षिण में अपनी कमान मजबूत रख सकते थे। ऐसे में उनके साथ संधि करना एक मूर्खता से भरा फैसला होगा, मगर बादशाह का हुक्म तो आखिर हुक्म होता है। उनके कहने पर औरंगजेब ने किले पर लगाया अपना घेरा हटा तो दिया था, मगर बीजापुर को जीतने का सपना अभी भी उनके मन में वैसे का वैसा ही था। 1658 के बाद जब सल्तनत से बगावत कर औरंगजेब मुगलों के नए बादशाह बने, तब उनके और बीजापुर के बीच अब कोई मौजूद नहीं था। इस पीरियड में अब बीजापुर सल्तनत की हालत भी थोड़ी कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के बाद बीजापुर की गद्दी को उनके बेटे अली आदिल शाह ने संभाला। उनके आने से पहले ही बीजापुर सल्तनत में अफरा तफरी मच चुकी थी। वजह, दक्कन में बढ़ रही मराठाओं की ताकत। मराठाओं के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज एक एक कर बीजापुर के किलों पर अपना कब्जा पा रहे थे, जिसके चलते वे सल्तनत के लिए बहुत बड़ा धोखा साबित हुए। ये धोखा अली आदिल शाह को विरासत में मिला था। ऐसे में उन्होंने शिवाजी महाराज से निपटने के लिए अपने सबसे ताकतवर सूबेदार अफजल खान को भेजा, मगर शिवाजी महाराज ने उसे भी मारकर सुल्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। अफजल खान के चले जाने से बीजापुर सल्तनत अब पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो चुकी थी। ऐसे में आदिल शाह की मौत ने उसमें और ज्यादा इजाफा किया।
अली आदिल शाह के बाद बीजापुर की गद्दी को संभाला उनके वारिस सिकंदर आदिल शाह ने। बहुत देर तक पिक्चर से बाहर बैठे औरंगजेब दखन में हो रही इस राजनीतिक उथल पुथल को निहार रहे थे। उन्होंने वक्त की नजाकत को ध्यान में रखते हुए सिकंदर आदिल शाह से मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने का न्योता भेजा, मगर सिकंदर शाह ने इसे ठुकराते हुए अबुल हसन कुतुब शाह से गठबंधन कर अपना एक इंडिपेंडेंट अप्रोच अपनाया। ऐसे में मुगल साम्राज्य के सामने समर्पण करने से इनकार करने वाले सिकंदर शाह से औरंगजेब बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने बीजापुर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब आते हैं उस युद्ध की तरफ जो हमारी आज का चर्चा का विषय है। औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद आजम शाह को 1685 में रहुला खान के साथ बीजापुर पर फतेह पाने भेजा। उनके साथ लगभग 50,000 मुगल सैनिक थे। मुगल सेना जब बीजापुर पहुंची तब दिलेर खान और कासिम खान के नेतृत्व में सेना ने बीजापुर किले के आसपास मौजूद मेजर जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद शहजादे मोहम्मद आजम शाह ने बीजापुर किले के चारों ओर तोपें तैनात की और अपना घेराबंदी का अभियान जारी रखा। हालांकि बीजापुर के सुल्तान सिकंदर अली आदिल शाह भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपने किले की रक्षा के लिए अपने सबसे वफादार कमांडर सरजा खान के नेतृत्व में लगभग 30,000 से भी ज्यादा सेना रखी थी। बीजापुर सल्तनत के पास उस वक्त एक तोप हुआ करती थी जिसका नाम था मलिके मैदान। इस तोप का डायमीटर था 69 सेंटीमीटर जो उस वक्त के नॉर्मल तोपों से कई ज्यादा बड़ा था। सिकंदर शाह ने सबसे पहले इसी से जंग की शुरुआत की। मलिके मैदान की मदद से उन्होंने मुगल सेना के तोपखानों पर सीधा निशाना साधा और वक्त रहते लगभग आधी से भी ज्यादा तोपों को खारिज कर दिया। बीजापुर की ओर से हो रहा यह घातक हमला वाकई बहुत जोरदार था, लिहाजा इससे बचने के लिए शहजादे मोहम्मद आजम शाह एक लंबी खाई खुदवाते हैं और अपनी बची कुची तोपों को वहां छुपा देते हैं। बीजापुर किले के इर्द गिर्द लगभग 10 फीट गहरी खाई खुदाई गई थी। मुगल फौज उस खाई को पार करने में हर बार असफल रही। इसके अलावा 50 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी महीम ग्रेनाइट और चूने की दीवारों को तोड़ना भी लगभग असंभव था। मुगल सेना की स्थिति तब ज्यादा खराब हुई जब मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ सोलापुर में स्थित मुगल चौकी पर कब्जा कर लिया। इस चौकी से ही मुगल फौज को खाना, बारूद और हथियार सप्लाई हो रहा था, लिहाजा मराठाओं के इस इनडायरेक्ट हमले से बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह का काम और भी आसान हो गया। मुगल फौज अब दोनों ओर से संघर्ष कर रही थी। एक ओर तो उनका सामना बीजापुर के साथ था, वही दूसरी ओर न चाहते हुए भी उन्हें मराठाओं से लड़ना पड़ रहा था। हालात तब ज्यादा खराब हुई जब बीजापुर सल्तनत का एक तोप का गोला मुगलों के बारूद वाले इलाके पर जाकर गिरा। एकाएक एक विस्फोट हुआ जिससे मुगल सेना के 500 से भी ज्यादा पैदल सिपाही मारे गए। ऐसे में मुगलों के सरदार शाह आलम को जरूरत थी रीइंफोर्समेंट यानी अतिरिक्त टुकड़ी की। उनकी कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए औरंगजेब ने अपने सबसे चहेते कमांडर अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को 20,000 की सेना के साथ आलम शाह की मदद के लिए भेजा। फिरोज जंग ने सबसे पहले मराठाओं को हराते हुए मुगल सेना की सप्लाई लाइन चालू की, मगर लंबी घेराबंदी गतिरोध में बदल गई। ऐसे में औरंगजेब ने स्वयं बीजापुर जाने का फैसला किया। उन्होंने जुलाई 1686 में मुगलों की एक विशाल सेना इकट्ठा की और धीरे धीरे बीजापुर की ओर मार्च किया। जब औरंगजेब बीजापुर पहुंचे तब तारीख थी 4 सितंबर 1686 की। उन्होंने किले से लगकर अपना डेरा डाला और व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर लगभग 1,00,000 मुगल सेना के साथ बीजापुर किले पर हमला बोला। 8 दिनों तक चल रही इस लड़ाई के बाद मुगलों ने बीजापुर किले के 5 दरवाजों को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था और आगे बढ़कर किले की कई दीवारें ढहा दी थी। मुगलों की यह जीत बादशाह औरंगजेब की कमान में हासिल हुई थी। ऐसे में बादशाह ने बड़ी शान से किले के अंदर प्रवेश किया। अब तक मुगल फौज सुल्तान सिकंदर आदिल शाह तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने सुल्तान को कैद किया और चांदी की जंजीरों में बांधकर उन्हें बादशाह के सामने पेश किया। उस वक्त सुल्तान की हालत बादशाह के सामने किसी भीगी बिल्ली की तरह थी। वे लगातार
बादशाह से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। ऐसे में बादशाह ने भी उन पर रहम दिखाते हुए सुल्तान की जान बख्श दी और उनके सहयोगी अबुल हसन कुतुब शाह के साथ दौलताबाद के किले में कैद कर लिया। इस युद्ध में सुल्तान सिकंदर अदिल शाह को बहुत चोटें आई थी। ऐसे में कैद के अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर 1686 को ही उनकी मौत हो गई। सुल्तान की मौत के बाद बीजापुर सल्तनत का भी अंत हो जाता है और सारी पावर मुगल सल्तनत के हाथों में चली जाती है। औरंगजेब ने सैयद मियां को बीजापुर का पहला मुगल सूबेदार नियुक्त किया था। आगे चलकर 1712 में मुगलों के बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बाद ये क्षेत्र फिर से आजाद हो गया। तो ये थी कहानी बीजापुर के लड़ाई की। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, उस वक्त मुगल फौज में बादशाह औरंगजेब का रुतबा बहुत बड़ा था। कहा जाता है कि औरंगजेब अपनी सेना के कुछ सामान्य सिपाहियों को भी पर्सनली जानते थे। यही वजह थी कि उन्होंने क्रूरता से ही सही पर भारत के इस बड़े तबके पर राज किया। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि औरंगजेब ने खुद को किस टाइटल यानी उपाधि से नवाजा था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।